दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार कोरी सर्वोच्च दर्पण हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं खबर की ओर। बड़ी खबर जनपद अमेठी के ब्लॉक भादर के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा आलमपुर का है, जहां पर शॉर्ट सर्किट होने के कारण बद्री प्रसाद मौर्य का आशियाना उजड़ गया और सब कुछ जलकर राख हो गया। आपको बताते चले, बद्री विशाल मौर्य अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहते थे, जिसमें उनका एक लड़का पंकज है जो पैर से विकलांग भी है। पंकज मौर्य अपनी धर्म पत्नी और माता के साथ घर के बाहर बैठा था कि अचानक कमरे के अंदर से धुआं निकलने लगा। धुआं का नज़ारा देख पंकज मौर्य ने चिल्लाते हुए गुहार लगाई। आनन फानन में गांव वाले इकट्ठा हो गए और बाल्टी बाल्टी से पानी डालकर कड़ी मशक्क़त करते हुए आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर में रखा हुआ सामान, अनाज, कपड़े, रुपए पैसे सभी जलकर राख हो गए। वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है और खाने के लाले पड़े हैं। आग आपके यहाँ कब लगी? आग हमारे यहाँ 8:30 बजे रात की लगी। कल? हाँ, कल रात को। बीती रात को। कितना नुकसान हुआ? नुकसान सारा, सब कुछ जल गया। खाने पीने के जितने गृहस्थी सामान था सब जल कर राख हो गया। पहनने कपड़ा लत्ता भी नहीं है। अच्छा, किसी अधिकारी को सूचना दिया गया था? अधिकारी को सूचना दिया गया था, लेखपाल भी आए थे, प्रधान को भी दिया गया था। क्या आश्वासन मिला? कोई सहायता मिली आपको? कोई सहायता नहीं मिली, लिख पढ़ के लेके गए हैं लेखपाल जी। अच्छा, किसी प्रकार की सहायता कोई नहीं मिली? खाने पीने की कोई चीज़? खाने पीने की कोई सहायता नहीं मिली। हम विकलांग आदमी हैं, मजदूर करते हैं, वही खाने पीने का भी करते हैं। बस हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बस सब जल कर राख हो गया। हमारे पास खाने का भी कुछ नहीं है। आप पैर से विकलांग हैं? हाँ, पैर से विकलांग हैं। अच्छा अच्छा जो है।